कि रात का टाइम हो गया है, करीबन 12-1 बजे हुए हैं और सब लोग सो गए हैं घर में, और आप ऊपर से अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पीछे कोई है। हुआ है ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? और हम जल्दी जल्दी भागने लग गए, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हुआ है? थोड़ा सोचो, आपको गलतफहमी क्या हो गई है कि मुझे डर लग रहा है, जबकि आप जानबूझ करके अपने मजे के लिए डर रहे हो। और सोचो, अगर डर में मजा नहीं होता तो लोग हॉरर मूवीज क्यों देखते हैं? सोचो, डर में, गुस्से में, इन सब चीजों के अंदर एक थ्रिल है, एक पावर है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो, मजा आता है। बीच बीच में किक मिलती है, बड़ा मजा आता है, एक्साइटमेंट है। इसलिए आप अपनी मर्जी से जानबूझ करके डरते हो, जानबूझ करके गुस्सा करते हो, और जितनी भी कमियां हैं आपके अंदर वो सब जानबूझ करके करते हो। सिर्फ इतनी सी चीज को एक्सेप्ट करना है, इतनी सी चीज को समझना है। तो होता क्या है कि जब हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से और हमारे पीछे कोई आ रहा है, और स्पेशली जब हमने कोई डरावनी पिक्चर देखी है, तो जाकर के बेड पे भी लेट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हाथ आएगा और आकर के गर्दन पकड़ लेगा। होता है, ऐसा भी होता है। उस दिन बड़ा डर लग रहा होता है, मम्मी मम्मी क्या हो रहा है। 18 साल के बच्चे को मम्मी याद आ जाती है। तो करना क्या है अगर मेरी इस बात को समझना है तो, कि भैया आपको डर नहीं लगता, आप जानबूझ करके डर रहे हो, और अगर यकीन ना हो तो अगली बार जब आप रात को अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हो गए और आपको लगेगा कि पीछे भूत है, तो पलट करके देखो, देखो पलट करके, आपको पता लग जाएगा मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं। देखो भैया, दो ही चीजें होंगी, या तो वो भूत सच में होगा, मान लो कि है, मान लो है, तब भी अगर आप पलटे तो आपका फायदा है, नुकसान है? फायदा है भाई, वो तो वैसे भी आपको मारने ही वाला है ना, वो तो वैसे भी आपको खाने वाला है डिनर में। तो एटलीस्ट अगर आप पलटे तो आपके पास में चॉइस तो है, उसे लड़ने की चॉइस तो है भाई, कुछ कर तो सकते हो। अरे वो आपकी गर्दन पे दांत मारेगा तो आप भी जाकर उसकी गर्दन पकड़ सकते हो, क्यों नहीं? भूत कहां है? हमारे माइंड के अंदर है, जिसको आप जितना सच मानते चले जाओगे, जितना सच मानते चले जाओगे उतना ही वो पक्का होता चला जाएगा, उतना ही उसका एग्जिस्टेंस स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतनी ही उसकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। आज आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, कुछ दिन बाद आपको दिखने भी लग जाएगा, सिर्फ आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। हो क्या रहा है? ये भूत करते क्या है? ये आपसे आपकी पावर खींच लेते हैं, ये आप ही की एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है। आपने मूवी देखी, उसमें कुछ इमेजिन किया, अगर सोचो एक छोटे से बच्चे को जाकर के डराने की कोशिश करी जाए, वो डरेगा क्या? जिसने कभी कोई भूत की पिक्चर नहीं देखी, उसको बोलो भूत भूत भूत, कहेगा क्या होता है भूत, मुझे पता ही नहीं, जिसको बोलना नहीं आता। जो आपने लैंग्वेज सीखी बचपन में, उसमें आपको एक वर्ड मिला जिसको कहते हैं भूत, वो जाकर के आपके दिमाग में चिपक गया, और उस भूत को जब आपने एक मूवी के अंदर देखा तो उसकी एक इमेज आपके माइंड में बनी हुई है और उससे आप डर रहे हो। तो होता क्या है, आप जितना भी इससे लड़ोगे, जितना भी इसको कंट्रोल करोगे, जितना भी इससे भागोगे, ये उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। करना क्या है? ना लड़ना है, ना भागना है, ना डरना है, सिर्फ पलट करके उसको देखना है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक दिन पलट करके सीढ़ियों में उस भूत को देखना है और बोलना है, कहां है? सामने आ, कहां है?